बड़का समाचार के बाद अब भी रहे खबर छत्तीसा के। तो नीरज भाई, हाँ खबर छत्तीसा में पहली जो खबर निकल के आत है वो ये है कि बलरामपुर जिला में मवेशी मन के तस्करी रोके के नाव नहीं लेवत है। जिला के विभिन्न इलाका ले लगातार गाय भैंसा मन के तस्करी के खबर आवत है। ऐसने एक मामला में बलरामपुर कोतवाली पुलिस टीम 5 मवेशी मन ला तस्कर मन ले आजाद कराए है। फिर अब भैंसा मन पुलिस पर परेशानी के सबब बन गए हैं। देखो ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सब जगह धारा 144 लागू हो गए है। ओकर बाद भी तस्कर मन के हौसला बुलंद है। खुलेआम मवेशी मन के तस्करी करत है। ग्राम पंचायत सरना डीह करा मवेशी ले भरे पिकअप नाली में फंस गईस। वाहन ला नाली में फंसे देख गांव के लोगन जब वहाँ पहुंचीस त देखिन वाहन में मवेशी भरे है जिन ला झारखंड ले जाए जात रहीस। ओला देख के ग्रामीण मन आक्रोशित हो गई। तत्काल एकर सूचना पुलिस लधीन। पुलिस के पहुँचे के पहली वहाँ चालक वहाँ ले फरार हो गई। मौका में पहुँचे पुलिस मवेशी सहित पिकअप ला जब्त करके थाना ले आई। लेकिन भैंसा मन के रखवारी पुलिस बर मुसीबत बन गए है। पुलिस के एक स्टाफ लगातार भैंसा मन के निगरानी में लगे है। संगे संग ओकर चारा ला लेके गोबर फेंके तक के जिम्मेदारी पुलिस जवान मन ला ही उठाए बर परत है। ग्राम सरनाढ़ी के पास में एक नाली में घुस गए थे। पिकअप सफेद रंग का बिना नंबर का है, उसमें 5 नग जो है भैंसा लोट था और मोड़ में जो है वो नाली के किनारे में फंस गया था। तो अगल बगल गांव वाले उसको पकड़े और ग्रामवासियों को देख करके वो ड्राइवर जो है भग गया, कर्मी नहीं आया। चल पाएगा? खैर ये तो कंफर्म अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर ड्राइवर अगर पकड़ा गया होता तो उससे ये बात कंफर्म हो सकता था। अभी तो उसको थाना परिसर में रखा गया है, उसको अभी आदर्श गौशाला दोगई में उसको शिफ्ट कर दिया है। अभी तो बस चारा पानी देकर के अभी परिसर में रखा गया है थाना परिसर में। तस्कर मन के हौसला इतका बुलंद है कि ओ मन दिन दहाड़े मवेशी मन के तस्करी करत है, जेकर ले पुलिस बर चुनौती बन गए। पुलिस अगर आरोपी मन ला पकड़ भी लेवत है तब मवेशी मन ला रखे हा सबले बड़े परेशानी है। बलरामपुर ले डिजिटल रिपोर्टर अरुण सोनी के रिपोर्ट।